अच्छा पूरा सरपंच साहब ही हैं जो मतलब इनको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक अवैध जमीन थी ये, तो उसने यहाँ पे काम कैसे करवा दिए? क्या एक सरपंच किसी अवैध जमीन में, गांव की अवैध जमीन में काम करवा के क्या ग्रांट जो है वो पास करवा सकता है? नहीं करवा सकता। ये आपसी रंजिश के कारण इनके ऊपर केस किया गया है और इनको खाली कराने का दबाव दिया है। उसका तो कोई कुछ नहीं है, वो खुद पंचायत की जमीन घेरे बैठा है। आप तो प्लाट बेचे है और इन गरीब आदमी आगे वो उनसे बड़ा दोषी इसलिए है कि वहाँ पे वो काम करवा के वो ग्रांट पास करवा रहा है और वो सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश कर रहा है। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने अवैध जमीन के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करवाई है। मैं तो ये हाँ, ये ऋषिपाल सरपंच है, उसने तो गली में अपना तूड़ेगी बना रखी है, गिर गए, उसकी खाली करवा दो। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार और फिलहाल मैं रोहतक जिले के सिंहपुरा गांव में मौजूद हूँ। आपने सबने मेरा काफी वायरल मुद्दा है जो यहाँ के इस गांव के 14 घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं बुलडोजर वगैरह लेकर और हाईकोर्ट के आदेश बता रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ सिंहपुरा गांव के पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करांगे कि इस जगह को, इन घरों को अवैध क्यों बताया जा रहा है। नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार जी, मेरे आपके चैनल को नमस्कार जी। ये नाम क्या जी प्रधान? मेरा प्रमोद कुमार जी। आप पूर्व सरपंच हो? हाँ जी जी। क्या कुछ मामला चल रहा है जो 14 घर हैं ये आपके गाँव में? आप गाँव के राजा हो, सरपंच एक गांव का राजा होता है और प्रजा जब इस तरह से दुखी हो रही है कि जो बच्चों के, मासूम बच्चों के सर से छत को छीनने की कोशिश की जा रही है, क्या कार्रवाई कर रहे हो आप लोग? हमने तो अपनी तरफ से कार्रवाई प्रस्ताव कर दिया था और मेरी तो सरकार से यही अपील है कि इन गरीब लोगों के सिर से छत नहीं छीनी जाए। और मैंने 7 साल तक सरकार के साथ पूरा बहस की है, आगे ये मकान मैं नहीं तोड़ने दूंगा और आगे भी मेरी ये राय है मैं ये मकान नहीं गिरने दूंगा। अगर सरकार इन मकानों को गिराना चाहती है तो ठीक है, हम खाली कर देंगे, तो फिर इनके लिए और नए घर बना के दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। 1952 का इतिहास उठा के देखोगे तो ये हमारे परदादा की जमीन है जो कि पंचायत को इन गरीब लोगों के लिए दान दी गई थी, इसमें सरकार का क्या है? बिल्कुल। तो आज मतलब कह क्या रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनको तोड़ के? इसमें कुछ नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ 4-5 लोग हमारे गांव के वही इन गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनको क्या दिक्कत हो रही है? उनको क्या दिक्कत है? पूर्व सरपंच है ऋषि, वो बार बार में एप्लीकेशन लगाता है, एक लंबरदार है वो लगाता है। अच्छा पूर्व सरपंच साहब ही है जो मतलब इनको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? वही बात है, इन वोट बार ना दी गए, ये तो उसको ही पता होगा, वोट नहीं दी थी, क्या नहीं दी थी, ये रोले उसके काम मोर के रोला, ये राजनीति कर रही है। उसका कोई, जो पूर्व सरपंच आप बता रहे हो, उसका कोई यहाँ पे कोई प्लाट वगैरह, कोई जमीन यहाँ से, कोई रास्ता वगैरह कुछ है जो अड़चन पैदा कर रहे हो ये लोग? उसका तो कोई कुछ नहीं है, वो खुद पंचायत की जमीन घेरे बैठा है। आप तो प्लाट बेचे है और इन गरीब आदमी आगे वो कर रहा है। कब बने थे वो सरपंच? आपसे पहले थे क्या वो? वो मेरे से 15 साल पहले थे और उससे पहले भी रह चुके हैं। अच्छा 15 साल पहले वो सरपंच थे। अच्छा फिर तो एक बात और भी होगी सरपंच साहब, ये तो देखो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है मामला यहाँ पे जो लग रहा है कि एक सरपंच ही, पूर्व सरपंच ही मतलब गांव के लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस टाइम पे वो सरपंच थे क्या यहाँ पे ये मकान सब बन चुके थे? ये दो जी 74 में बने हुए हैं, हम तो पैदा हुए थे जब ते देखा इनने। अच्छा उसके सरपंच बने थे पहले, आगे बन रहे हैं। तो फिर वो जब सरपंच बना होगा तो उस टाइम पर उसने आड़ा काम भी करवाए होंगे? उसने ये गलियां बनवाई दी पहले सरपंच ने ही, और उसी ने फिर जैसे कि इनका इलेक्शन होया है वो हार गया है, फिर उसने इनसे रंजिश रखनी शुरू कर दी है। और क्या क्या काम करवाए होंगे प्रधान जी? आड़ा ऋषिपाल जी ने, स्पेशल ऋषिपाल जी ने, ऋषिपाल जी ने ये गलियां बनाई हैं, इनके मीटर मैटर दिए सभी लगे हुए थे, उन्होंने वो करा था। ये कहीं रस्ते में भी नहीं आते, ये कहेंगी वो तो कहते हैं शमशान घाट का रास्ता रोक रखा है, ये आपने देख रखा है, शमशान घाट का रास्ता नहीं रुका हुआ ना, ये कहीं पे
कोई रुकावट, पूरे गांव को किसी को भी शहीद नहीं है कि इसको खाली किया जाए। सिर्फ ये चार पांच हैं, एक लंबरदार है, एक ये ऋषिपाल है, एक दो और है जो स्कूल के थे वो खाली करा दिए, वो आगे थे वो मैंने खाली करवा दिए थे, जैसे कि एक ड्रेन के पास है वो खाली करवा दिए थे, जो खाली होने की जगह थी वो हमने खाली करा दी। ये भी ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, या तो सरकार इनको मकान बना के दे, एग्वायरमेंट करे जमीन। अच्छा, जो आपने जो खाली करवाए थे वो कहाँ गए वो लोग? वो तो वैसे ओटड़ी खींच रहे थे प्लाट थे, वैसे कब्जा था वो। हाँ, वैसे मकान नहीं दे, ऐसे मकान नहीं दे। अच्छा, मकानों के लिए तो जैसे कि एसडीएम साहब शुरू में आए थे इनको वो करने के लिए, मैंने कह दिया था मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, मैं किसी का मकान नहीं कराऊंगा, ये कहाँ पे जाएंगे। तो उन्होंने ये केस क्लोज करने की भी सोची, तो फिर क्या करें, ये बार बार में आरटीआई लगाते हैं, मेरे पास नरी आरटीआई पड़ी है, मेरी भी लगाई है। एक सरपंच हो आप, इसी नाते से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जब ऋषिपाल जी इस चीज के बारे में आरटीआई लगा रहे हैं, उनको पता है कि भाई ये अवैध जमीन है, ठीक है, उनको पता है ये अवैध जमीन है, तो जिस टाइम पे वो सरपंच थे उस टाइम पे जब उन्होंने काम करवाए यहाँ पे, गलियां बनवाई, मीटर लगवाए, बिजली के पानी के कनेक्शन सब कुछ यहाँ पे उन्होंने करवाया हुआ, ठीक है, इन लोगों से वादे भी करे होंगे, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, जब कोई सरपंच या इलेक्शन लड़ता है तो एक एक खासकर गरीब लोगों से ज्यादा वादे किए जाते हैं। हाँ जी। गरीब लोगों से ज्यादा वादे किए जाते हैं एक भावी सरपंच के द्वारा, तो उनसे वादे भी करे होंगे और उनके काम भी करवाए होंगे। जब एक अवैध जमीन थी ये, तो उसने यहाँ पे काम कैसे करवा दिए, क्या एक सरपंच किसी अवैध जमीन में, गाँव की अवैध जमीन में काम करवा के क्या ग्रांट जो है वो पास करवा सकता है? नहीं करवा सकता, ये तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। उसने ये गलियां मनवाई हैं, पानी कनेक्शन करवाए हैं, सारी चीज़ें करवाई हैं, तो वो सरपंच था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कैसे करवा सकता है अवैध है तो। ये तो 1974 में जब रिकॉर्ड में भी है, इनके नाम लिखे हुए हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत इसमें ये प्लाट दिए गए थे, आगे कोई कारण होने के वो जैसे ही इनका रेजुलेशन नहीं हुआ, लेकिन रजिस्टर में पंचायत के रिकॉर्ड में तो रेजुलेशन हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर रेजुलेशन हो रहा है तो ये इनके ही है, तो ये आपसी रंजिश के कारण इनके ऊपर केस किया गया है और इनको खाली कराने का दबाव दे रहे हैं। ये एक चाचा ने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया, क्या करे, बार बार में परेशान होने के कारण। लेकिन ये गरीब आदमी, इनके पास तो जगह है, ये अपनी मना लेंगे, इनके पास तो जगह नहीं है ना, ये कहाँ मनाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? या तो वो लंबरदार है वो पे अपने खेत में जमीन में इनके प्लाट दे दो, उसको कोई दिक्कत है तो सरकार, तो मेरी यही अपील है, अगर ये मकान मैं खुद खाली करवा दूंगा, इनको दूसरी जगह दे दे और इनके मकान बनवा दे। बिल्कुल, ये सभी बैठे हैं, सभी मकान खाली कर देंगे, सरप्लस की जमीन है उसमें दे दो काट के। तो भाई ये थे हमारे साथ है सिंहपुरा गांव के पूर्व सरपंच साहब, जो बिल्कुल इस बात को मान भी रहे हैं कि किसी भी गांव में अवैध अगर कोई ज़मीन है तो कोई भी सरपंच वहां पे बनता है, अगर उसको ये पता है कि ये ज़मीन अवैध है तो वहां पे वो कोई भी गलियां, पानी, बिजली, मीटर, राशन कार्ड, वहां पे कुछ भी वो नहीं करवा सकता। अगर वो करवा रहा है तो वो उनसे बड़ा दोषी है, क्योंकि वो उनसे बड़ा दोषी इसलिए है कि वहाँ पे वो काम करवा के वो ग्रांट पास करवा रहा है और वो सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश कर रहा है, वो सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश कर रहा है। कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने अवैध जमीन के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करवाई है। जी सरपंच साहब, और लास्ट में हरियाणा 1008 के माध्यम से हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से, भाई दुष्यंत चौटाला जी से क्या अपील करना चाहेंगे, एक गांव के सरपंच होने के नाते आपके, क्योंकि गांव के 14 घर जो है वो उजड़ने की कगार में हैं। मैं श्री मनोहर लाल जी से यही और भाई दुष्यंत जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर सरकार को दिक्कत है तो ये मकान मैं खाली करवा दूंगा और इनको दूसरी जगह पे एक्वायरमेंट करके जमीन और इनको मकान बना के दिए जाएं। हम भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो रोहतंगिया को भी तो बसा रहे हैं, लेकिन मेरे गांव के हरियाणा वासी हैं ये, यहाँ दादा लाई जमीन में हमारी में बसे हुए हैं, इनको क्यों उजाड़ रही है? मैं तो यही, हाँ ये ऋषिपाल सरपंच है, उसने तो गली में अपना तूड़े की बना रखी है, घेर गए उसकी खाली करवा दो।
तो भाई बिल्कुल, अगर यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो सरकार के कानों तक ये आवाज़ ज़रूर जाएगी कि जिस आदमी ने ये कार्रवाई करवा रखी है उस आदमी के भी जो है पोल पट्टी वो है गांव के लोग पाड़न लाग रहे हैं और सरपंच साहब भी जो है पाड़न ला रहे हैं, क्योंकि ये वह तो फिर भी भाई गरीब आदमी है लेकिन सरपंच है वो तो मेरे ख्याल में बराबर का होगा। इलेक्शन उनने भी लड़ रखा है, इलेक्शन इनने भी लड़ रखा है और मेरे ख्याल में आगे भी लड़ने की तैयारी होगी सरपंच साहब। अभी लड़े थे तो मैं इसी वजह से तो ऋषि ने और मेरे परिवार ने मिल के हरा दिया कि ये कहीं गरीबों के साथ में आगे तक खड़ा ना रहे। लेकिन देखो मैं हरियाणा एक जराट के माध्यम से कहता हूँ, आप हो या कोई भी गांव का आदमी है अगर गरीबों के साथ खड़े हैं तो इब कन्यू मत मानो भाई, गांव ने हरा दिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुर्सी है जो वो बदलती रहनी चाहिए। दूसरा जो नया होगा उसने भी गांव राम देख लेगा, अच्छी बात है। वो अगर अच्छे काम करेंगे तो भाई उनने भी भाई आप अगर जुड़ रहे हो इन लोगों के साथ तो तड़कन गांव फिर मौका दे देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैं 24 घंटे इनकी सेवा में हूँ, मेरे को जो भी बुलाएगा मैं गाँव की मदद में खड़ा रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद है ये जानकारी हरियाणा के जराट को देने के लिए, सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप जुड़े रहिए हरियाणा के जराट पर, इस मामले में जो 14 घर जो बताए गए हैं उनकी जो महिलाएं हैं मासूम बच्चे हैं वो सब हम आपने दिखाएंगे, उन महिलाओं से भी बात करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा के जराट के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।